इस समय भारत में, आवाज आ रही है मेरी, इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को, नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे SSC की तैयारी करता हो, चाहे RRB की तैयारी करता हो, NTPC की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर Tier 3 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा। मैं क्या बोलूं, मैं बोलता हूं 2 महीने बाद आ जाएगा भाई, 3 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन अगर SSC से बात पूछोगे तो SSC जवाब देगी, भैया 2-3 महीने तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दे। 4-4, 5-5 साल तक बच्चे अटके हुए हैं। मैं आपको डाटा दिखाता हूं, 2018 की सीजल की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई 2018 में आया, बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को, बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को, आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया, भगवान जाने कब CPT टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके पस्त नहीं होना है, लड़ाई आपकी लंबी है सर जी, हैशटैग छोटा कर दो, लड़ाई बड़ी है, हैशटैग छोटा नहीं हो सकता। ये हैशटैग खाली ट्रेंड कराने के लिए नहीं है, ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब जानते हो, आंदोलन है, ठीक है। छोटे से हैशटैग को लेकर परेशान हो गए कि हैशटैग लंबा है, लंबा होना चाहिए, ठीक है। हम उस ये हैशटैग ही हमारे मूवमेंट का सब कुछ है, राइट। सो पहली बात, पहला अपडेट मैं दे रहा हूँ, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रिया नहीं अपनी नौकरिया के बारे में सोचिए, राइट। नौकरिया का मतलब ये होता है नौकरी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। बिग मीडिया हाउसेज आर बिजी डिस्कसिंग अबाउट रिया बिकॉज देयर इज TRP, वेयर इज TRP, दे'ल डू दैट। द ओनली क्वेश्चन इज कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर इट। देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखना, कंप्लेन करना छोड़ दो। आज तुम जहां खड़े हो इसको पहले एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कि हम यहाँ खड़े हैं, हमारी नौकरी में समस्या है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, 2017 वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, वेटिंग लिस्ट बनती नहीं है, SSC 2018 का रिजल्ट आया नहीं, रेलवे वालों का एग्जाम का कुछ पता ही नहीं है। तो लेट अस एक्सेप्ट वेयर वी आर टुडे, ओके, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डू दिस राइट नाउ, ठीक है। अब सवाल यह है कि आपका मुद्दा अगर ऊपर तक पहुंचाना है तो पता है क्या करना है। किसी, कई लोगों ने मुझे लिखा है कि सर सोनू सूद हेल्प अस करके एक हैशटैग चलाते हैं। यही तुम्हारी बेवकूफी है कि तुम कुछ भी होता है बस दूसरों से मदद मांगने पहुंच जाते हो। सोनू सूद हेल्प अस, सोनू सूद ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो। तुम कब खड़े होगे खुद के लिए? 2 करोड़ बच्चे हैं, 2 करोड़ बच्चे, और वो सबसे भीख मांग रहे हैं कि मेरे लिए खड़े हो जाओ, ठीक है। सब लोग आएंगे तब जब तुम खड़े होगे, तुम्हारे भले के लिए हर कोई खड़ा होगा, ठीक है। तो पहला काम ये, बस शॉर्टकट लेना छोड़ दो। अगर शॉर्टकट लेना है ना तो फिर हमारी जरूरत नहीं है इसमें, हम लोगों की, हम लोग, मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत लोग सपोर्ट में आ चुके हैं। कल शुभम जैन ने एक वीडियो बनाया, मेरे बिना बात किए हुए, देखो लोग खुद ही आगे आ रहे हैं क्योंकि लोग आपको लेके कंसर्न है, उन्हें पता चला कि बच्चों को मदद करने का एक मौका मिला है, करेंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने यही काम किया। शुभम जैन ने एक वीडियो बनाया, ठीक है। उसके बाद अनुज सेंगर ने एक पोस्ट किया, टॉपर्स क्लब करके उनका चैनल भी है, मैथ्स पढ़ाते हैं आपको, उनके 200 में 200 नंबर भी रह चुके हैं, मिस्टर 200 बोलते हैं लोग उनको, ठीक है। उसके बाद मुखर्जी नगर के कई टीचर्स ने हमारे फ्रेम्स को यूज करना शुरू किया, लेट अस सपोर्ट SSC स्टूडेंट, ठीक है, वो सपोर्ट आपको मिल रहा है। और भी सारे टीचर्स हैं जिन्होंने पोस्ट करना शुरू किया है।
सो ये कहना कि आपको टीचर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको टीचर का सबसे पहले मैं इसमें लिखा है हम सभी टीचर्स आपके साथ है, बेफिक्र रहना। रिजल्ट देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो मन की बात पर एक बार लाइक डिसलाइक देख ले, रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। जैसे सड़क तू की बेइज्जती मारी थी ना मूवी में, वही मन की बात की यहां बेइज्जती हो गई है। डिसलाइक देखो एक बार, अभी पता चलेंगे, खिलाओ मोर को दाना। अगला देखो, अगली इमेज देख लो, ये देखो डिसलाइक, बच्चों ने रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब, अरे आपसे बड़ा कौन है यार, 70% पॉपुलेशन हमारी जो है स्टूडेंट की है, आपसे बड़ा कौन है, खुद से सोचो ना, आपसे बड़ा साला कौन है। एक बार आवाज उठाओगे क्या नहीं बनेगा। 22 बच्चों के साथ खड़े थे हम एसएससी प्रोटेस्ट में 22 बच्चों के साथ सीजीओ कॉम्प्लेक्स के साथ धरना दिया था। आप चाहे तो देख लेना जयदीप सर 2017 प्रोटेस्ट, आपको दिखाई दे जाएगा। भाई साहब उस टाइम पे जब भी हम फेसबुक पे लाइव जाते थे लाखों में व्यूज होते थे, इतना ट्रेंड कर गया था, सब फंस गए थे, सबको पता चल गया था साला एसएससी क्या है उस टाइम पे। अब 17 के बाद अब 20 आने को है भाई साहब, 20 हो गया, 21 आने को है। अब बीच में जब हम ठंडे पड़ गए, वही गलती हो गई, अरे अब आ जाएगा रिजल्ट, अरे अब आ जाएगा, अभी बेटा कोरोना आ गया, सो जा। अभी क्या हवाला दे रहे हो यार, कौन सा साला कोरोना, वैसे ही मर रहे वैसे ही मार दो, वैसे ही स्टूडेंट मर रहे हैं उनको वैसे ही मार दो। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे, अब ये एक बात नहीं है डेली, हमने डेली, मैं तो डेली लाइव आऊंगा, डेली कुछ ना कुछ बातें निकल के आएंगी सामने और दिखाई दे रही हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी टीचर्स को, सभी चैनल्स को, और अपनी बात को हम यहां खत्म करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं, पूरे टाइम्स टीम की तरफ से, पूरे ऑल दोस्तों की तरफ से। सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है, वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज। आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एमपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500-500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में, एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी। लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है, वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ चिल्ला रहे बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओमकर, श्वेता सिंह, और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है, मैं सच बता रहा हूँ। ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बददुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूँ कि इस मीडिया को बायकॉट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी, आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है, मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे, वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। चाहे आप कुछ भी करना पड़े, 5 दिन के अंदर आप रिजल्ट दो, क्यों नहीं दे रहे, बना नहीं रिजल्ट आपसे है, जब नहीं बताता, जब आप पेपर का नोटिफिकेशन निकाल देते हमसे रिजल्ट नहीं बनेगा, मैगी समझ रहे थे तब 2 मिनट में बन जाएगी, एफर्ट लगाया कुछ, जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ, 3-3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए यहां वहां फीस भरता है, आपको पता है कैसे गुजारा।